अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मोजज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अमरीका के जंगलात में लगी आग ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। माहिरीन ने अमरीका समेत यूरोप और दीगर दुनिया को वार्निंग जारी की हैं कि अगर जंगलात में लगने वाली इस आग पर काबू ना पाया गया तो इंसानियत इंतहाई खतरे में आ जाएगी। अब सवाल यह है कि जंगलात में ये आग कैसे भड़की और ये आग कैसे दुनिया भर को ख़त्म करने जा रही है? क्या ये भी कोई क़यामत की निशानी है? और अमेरिका में लगने वाली हालिया आग ने किस पेशनगोई को दुरुस्त साबित किया? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और यूनान हो या फिर रूस और बोत्सवाना, गुज़श्ता कुछ बरसों से दुनिया भर में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर आग लगने के वाकयात में इजाफा देखने में आया है और इसी आग की वजह से हजारों इंसान लुकमाए अजल बन चुके हैं। गुज़श्ता साल स्पेन में लगने वाली आग ने तो कई शहरों को राख का ढेर बना दिया था, जबकि वक्फे वक्फे से ऐसे वाकयात रूनुमा होते आ रहे हैं और मौजूदा दिनों में अमरीका समेत यूरोप के कई इलाके खौफनाक आग की लपेट में आ गए हैं। इस आग की शिद्दत कितनी है और किस रफ्तार से ये सफर कर रही है, इस पर बहस करने से कबल हम आपको ये बता दें कि आग लगने के इन वाकयात के कई मुख्तलिफ असबाब होते हैं। मसलन ब्राज़ील में ज़रई रकबे के हुसूल के लिए जंगलात काटे जाते हैं। कटाई के अमल से गुजरने वाले इन जंगलात में आग भड़क उठने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी खुश्कसाली के वक्फों में इजाफा हो रहा है। एक और वजह हिफाजती इंतजाम का फुकदान भी है। आलमी इदारा खुराक ज़राअत के जंगलात के शोबे के सरबराह एडवार्डो रोयाज़ के मुताबिक मुनासिब पेशगी इकदाम करते हुए जंगलात को आग से बचाया जा सकता है। वो कहते हैं, जहाँ भी कुछ उगता है वहाँ आग लग सकती है। मतलब ये कि आग लगने का खतरा तो हमेशा रहता है और हमें इसका पेशगी सदबाब करना चाहिए। जहाँ आग लगने के वाकया तवातर के साथ होते रहते हैं, वहाँ दानिशमंदाना मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। ऐसी जगहों पर खतरे के इम्कानात को कम से कम किया जाना चाहिए। बिजली घरों, आमदोरफ्त के रास्ते और रिहायशी इलाकों को बड़ी एहतियात के साथ एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। जंगलात के इर्द गिर्द एक हिफाजती बाड़ होनी चाहिए ताकि आग लगने की सूरत में उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। नाज़रीन, मिस्टर एडवार्डो के मुताबिक जंगलात को आग से बचाने के लिए कदीम रिवायती तरीकों की भी मदद ली जा सकती है। वो बताते हैं कि अमेरिका के कदीम रेड इंडीज हों, ऑस्ट्रेलिया के कदीम मुकामी बाशिंदे हों या फिर बहिरा रोम की कदीम आबादी, ये लोग जंगलाती रकबे के मखसूस हिस्सों को अपनी निगरानी में आग लगवाकर तलफ करवाते थे। इस चीज को दोबारा रवाज दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से मुल्कों में ऐसा करने पर पाबंदी आयद है। अब लोग सोचते हैं कि भला आग के जरिए आग का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन, ये तरीका सस्ता भी है, माहौल दोस्त भी है और जंगलात को आग की लपेट में आने से बचाने का वाहिद रास्ता भी। अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में सोचने के अंदाज तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। जहां गुजरे 20 वर्षों के दौरान आग बुझाने के लिए तकनीकी साजो सामान पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता रहा है, वहाँ अब माहिरीन पेशगी हिफाजती इंतजाम पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आलमी इदारा ज़रात व खुराक ने जंगलात को आग से बचाने के पेशगी हिफाजती इकदाम के सिलसिले में मगरबी ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के तर्ज अमल को मिसाली करार दिया है। तहम अमरीका और यूरोप में लगने वाली आग ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुबतला कर रखा है। कुछ रोज कबल अमरीकी रियासत हवाई से मुंसलिक मावी जजीरे में अचानक आग भड़क उठी। जंगल में लगने वाली इस आग से 6 अफराद के जान बहक होने की इत्तलात हैं। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू का काम जारी है और कोस्ट गार्ड की टीमों ने आग के शोलों से बचने के लिए पानी में छलांग लगाने वाले 2 बच्चों समेत 14 अफराद को बचा लिया है। दोस्तों, मावी जजीरे के मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आग लगने से बहुत से घर और कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और बंदरगाह में कश्तियों को नुमाया तौर पर नुकसान पहुँचा है। मावी में होने वाले नुकसान की सही हद का तायुन करना अभी भी मुश्किल है और वहां हलाक होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आग की वजह से होने वाली ज्यादातर तबाही तारीखी कस्बे लहीना में हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी मावी के जंगलात पर लगी आग पर काबू पाने के लिए खसूसी हिदायत जारी की हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, बल्कि ये आग मजीद फैलकर दीगर रियासतों के लिए भी खतरा बन चुकी है। दोस्तों, इसी किस्म की सूरत हाल यूरोप को भी दरपेश है। अमेरिका में बसने वाले बेशतर अफराद तो इन वाकयात को नॉस्ट्राडेमस की पेशनगोइयों से जोड़ते दिखाई देते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है।
साइंस के मुताबिक दुनिया का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और हर आने वाला साल गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड तोड़ देता है, जिसके पेश नज़र साइंसदान और माहिरीन वार्निंग जारी कर रहे हैं कि अगर इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल ना किया गया तो इंसानियत किसी बड़े खतरे से दोचार हो जाएगी। वक्त बे वक्त की बारिशें, कहर साली, हीट वेव और इस जैसी दीगर मौसमी कैफियत ग्लोबल वार्मिंग ही की वजह से वजूद में आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न सिर्फ इंसानी हयात बल्कि कुर्रा अर्ज पर पाई जाने वाली हर तरह की हयात के नेस्तो नाबूद होने का यकीनी खतरा नजर आ रहा है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप पाकिस्तानी मौसम का जायजा लें तो कई अहम इंकिशाफात सामने आते हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग के करिश्मे देखें कि इस साल मई जून में जालाबारी और जुलाई में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। सहराए अरब में बर्फबारी हुई जहां बारिश भी नहीं होती थी। अभी हाल ही में लाहौर में सिर्फ 8 घंटों में 292 मिलीमीटर बारिश हुई। बेमौसमी बारिशें पिछले कई सालों से आम हो चुकी हैं। जब फसलों को पानी की जरूरत होती है तो बारिश नापेद होती है, लेकिन जब फसलें पक जाती हैं तो बेतहाशा मुसलसल बारिशें इनको तबाह बर्बाद कर देती हैं। नतीजा खुराक की किल्लत, नायाबी और महंगाई की शक्ल में निकलता है, जिसके तलख तजुर्बे से गुज़श्ता महीनों में पाकिस्तानी अवाम भी गुजर चुके हैं। ज़मीनी दर्जा हरारत बढ़ने का आगाज़ सन 1760 में यूरोप के सनती इनकलाब से शुरू होता है। सैकड़ों कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं ने न सिर्फ ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा किया बल्कि ज़मीन के गिर्द हिफाजती हिसार को भी कमज़ोर करना शुरू कर दिया। ज़मीनी दर्जा हरारत में वाज़े इजाफा 1975 से शुरू हुआ, लेकिन इस शरह में अब जाकर दोगुना इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता साल यानी सन 2022 के हवाले से कहा जाता है कि ये हजारों साल की इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल था, जिसके संगीन तरीन नतायज कुरा अर्ज पर आबाद इंसानों को भुगतने पड़ रहे हैं। जमीन का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत माहौलियाती आलूदगी का भी बाइस बन रहा है। इस हवाले से लाहौर और कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होते हैं। माहौलियाती आलूदगी की वजह से हर साल दुनिया में 70 लाख अफराद मर जाते हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 99% लोग ऐसी फिजा में सांस लेते हैं जो कि आलमी मयार से कम तर होती है। हाल ही में बरतानिया की 140 साल तारीख में गुज़श्ता माह जून गर्म तरीन महीना था। खास तौर पर लंदन में गर्मी के नतीजे में पहली मरतबा वसी पैमाने पर पंखों की खरीदारी अमल में आई। हैरानकुन तौर पर इस आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है और इससे होने वाली होलनाक तबाही में पाकिस्तान इब्तदाई ममालिक में शामिल है, यानी करे कोई और भरे कोई। ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत अपने साथ माहौलियाती आलूदगी भी लाया, जिसने पाकिस्तानी शहरियों की उम्र में भी कई साल की कमी कर दी। एक आम इंसान के फेफड़ों पर स्मोक का धुआं उतना ही नुकसानदेह होता है जितना कि रोजाना 20 सिगरेट पीने वाले का। माजी में कोरोना से मुतासर अफराद के लिए ये स्मोक जानलेवा साबित हो सकती है। इन हालात को सामने रखते हुए आलमी इदारों को ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन नतीजों से बचने के इकदाम करने होंगे, वरना पूरा आलम किसी बड़े खतरे से दोचार हो सकता है। इस बारे में आप सब क्या कहते हैं, कमेंट्स की सूरत में हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा। यहाँ पर इख्तिताम होता है हमारी आज की इस वीडियो का। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।